किसान आंदोलन के कारण बहिष्कार था। लोग कह रहे थे कि अब मैं ये सरकार की दुआई है, नहीं लगवाएंगे, अभी नहीं लगवाएंगे। गाँव में ज़्यादा कई मौतें हो चुकी थी और कोरोना के डर से ये मतलब सैनिटाइजर और ये जो अमन का सा काम किया ये कोरोना के डर से ही किया गया। ये जींद का वही रूपगढ़ गांव है जहां करीब एक महीने पहले ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का विरोध किया था। उनका मानना था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये तो किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार की एक चाल है। मगर जब गांव में 20 दिन में ही 16 लोगों की मौत हो गई तो इसी गांव के लोग खुद स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचे और गांव के लोग वैक्सीन का टीका भी लगवा रहे हैं और कोरोना टेस्ट भी करवा रहे हैं। आज हमारे गांव रूपगढ़ के अंदर 12 ट्रैक्टर करके हमने इकट्ठे और पूरा गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं और हमने गांव के ऐसे ही इकट्ठा 2 लाख रुपये इकट्ठा किया है और इतवार को गांव में हवन करवा कर धूप खेई जाओगी, धूप लगातार एक हफ्ता तक खेई जाएगी और इतवार को ही मतलब वो कराया जाएगा, हवन करवाया जाएगा गांव के अंदर दादा खेड़े पर बाबा गैबी साहब पर। आइए हमारे गांव की मतलब गांव ने 36 बिरादरी ने इकट्ठा कर ये प्रोग्राम किया है। तो क्यों किया गया सैनिटाइजर गांव? ये मतलब कोरोना के डर से गांव में ज़्यादा कई मौतें हो चुकी थी और कोरोना के डर से ये मतलब सैनिटाइजर और ये जो अमन का सा काम किया ये कोरोना के डर से ही किया गया। गांव में लगभग 15-16 मौतें हो चुकी थी। लग रहा है पहले हम प्रशासन सहयोग नहीं करा थे, अब सहयोग भी करांगे और सैनिटाइज भी करवाएंगे, जो टिक्के टाके लगवाएंगे टिक्के भी लगवाएंगे अपने, हम प्रशासन पूरा सहयोग देवांगे। ये फैसला लिया गया पंचायत में, पूरे गाँव को सैनिटाइज करांगे और हवन वगैरह भी करवाएंगे जो भी अपनी देहाती में हैं। ठीक है नी? तो एक महीने भीतर कितनी मौतें होंगी? हाँ, एक महीने भीतर लगभग 16 मौतें होगी कोरोना से। ला लो कोरोना ही कहूँगी। तो पहले प्रशासन का बहिष्कार किया गया था? पहले बहिष्कार करें, देख भाई टिक्के नहीं लगवाओ, हम उन्होंने करांगे टिक्के लगवाने, लोगों की जान जाओ फलानी है ऐसा कुछ था। ये भी प्रशासन का सहयोग देने के लिए तैयार है गाँव। किसान आंदोलन के अलावा ग्रामीणों को डर था कि वैक्सीन की डोज लेने से लोगों की मौत हो जाती है, जिसे डरकर ना तो वोटो वो टीका लगवाने को तैयार थे और ना ही चेकअप करवाते थे। लेकिन अब 4500 की आबादी वाले रूपगढ़ में कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया तो सभी अलर्ट हो गए। पिछले एक महीने से गांव रूपगढ़ में 15-16 मौतें हो चुकी थी, इसलिए गांव में स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें आती थी गांव के लोग डरे हुए थे, टीकाकरण नहीं करवा रहे थे उनसे। अब इतनी मौतों को देखते हुए सभी गांव के लोग जागरूक हो गए हैं और अभी टीकाकरण के लिए सरकार को भी बोल रहे हैं, भाई स्वास्थ्य विभाग को बोले हमारे गांव में टीकाकरण करवाए, सारा गांव टीकाकरण करवाएगा। और गांव ने मौतों को देखते हुए एक दो दिन हो गए चंदा इकट्ठा कराया है, उस चंदे से धूप वगैरह सैनिटाइज सारा गांव में कराया जाएगा और इस मौत के आकलन को देखते हुए सारा गांव में भय और डर है। सभी लोग अपने मास्क वगैरह लगा के काम कर रहे हैं और दूरी बनाए हुए हैं, कोई भी गांव में इकट्ठा नहीं हो रहा, बहुत तनावपूर्ण माहौल हो रहा है। भाई इतनी मौत देखते हुए बहुत जवान मौतें हुई हैं गांव में, बड़ी दुखद घटना हुई है। और एक महामारी का जो प्रकोप है मतलब लोगों की समझ में आ चुका है, पहले इसको हल्के में ले रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा उसमें ले रहे हैं। बिल्कुल आप देखने लग रहे हो, मार्केट भी तकरीबन बंद पड़ी है, लोग घरों से नहीं निकले, कम निकले, क्योंकि जमींदार लोग हैं, खेतों में तो देखो जाना पड़ेगा। जो पहले टीम आती प्रशासन की, हाँ पहले टीम आती थी वो खाली चली जाती थी, वो क्या हुआ मतलब एक दो बंदा दो चार बंदे मतलब वैक्सीन लगवा के आते, अभी तो आज तो पूरा दिन उनका कार्यक्रम बढ़िया तरीके से चल रहा था। ये मौतें होने से पहले गांव के लोग लापरवाह थे, वो ना तो लॉकडाउन को मानते थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करते थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम आती तो थी मगर कोई ना तो चेकअप करवाता था और ना ही वैक्सीन की डोज लेने को तैयार होता था, लिहाजा टीम को खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। मगर अब हालात बदल चुके हैं। पहले गाँव वालों ने मैंने जब वैक्सीन लगा रहे थे 7-8 कैंप लगाए तो लोगों ने बहिष्कार किया था किसान आंदोलन करके, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उस बहिष्कार का खामियाजा ये है कि एक कैंप में 5-5-6 टीके बहुत मुश्किल से लगे थे, लेकिन अब कई मौतें होने के कारण और जागरूकता, हम बार बार जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि वैक्सीन फ़ायदेमंद है, कोरोना का एक इलाज है कि वैक्सीन लगाओ, तो उससे जाके हम स्टेज पर पहुँचे हैं कि अब हम कामयाबी की तरफ हैं। जल्दी ही पूरे गाँव को वैक्सीनेट करेंगे, गाँव में जागरूकता भी है, ग्राम पंचायत युवा वर्ग के सहयोग से
गांव को सैनिटाइजर अवन वगैरह के लोग जागरूक हुए हैं, जगह जगह अपनी नाकेबंदी भी कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव केस है उसको मोटिव कर रहे हैं भाई होम आइसोलेट रहो, अपने परिवार का टेस्ट कराए। एक बार नहीं बल्कि 8 बार ऐसा हुआ कि वैक्सीन लगाने वाली टीम गांव में पहुंचती रही और गांव के लोग विरोध करते रहे। कोरोना को न मानने का रिजल्ट सामने आया और हर रोज गांव में मौतें होने लगी। 20 दिनों में करीब 16 मौतें हुई और काफी लोग कोरोना पॉजिटिव होने लगे, तो गांव की सोच बदल गई। जब टीकाकरण करने वाले आए तो गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इतना ही नहीं, गांव के लोग कोरोना की सावधानियों का भी ध्यान रखने लगे, खुद पूरे गांव को सैनिटाइज करने के लिए अलर्ट हुए। पूरे गांव में 12 ट्रैक्टर सैनिटाइज के लिए लगा दिए गए, इस पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाने लगा। बहरहाल रूपगढ़ गांव के लिए ये कहावत बिल्कुल सही है कि देर आए दुरुस्त आए। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।